जो भी नए लोग ब्लॉगिंग में आना चाहते हैं, उनमें से कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ऐसा फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होता है कि वो होस्टिंग परचेज कर सके। और जब मैंने भी ब्लॉग शुरू किया था तो सेम कंडीशन मेरा भी था, तो मैं अपने आप को उनसे कंपेयर कर सकता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि जब हम स्टूडेंट होते हैं या फिर कहीं ऐसे फैमिली से हैं जहाँ पे 3,000-4,000 रुपया भी एक एक्स्ट्रा चीज में खर्च करना बहुत बड़ी बात है, तो लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि उनको पैसा खर्च करना चाहिए या नहीं खर्च करना चाहिए। इवन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो किसी के इन्फ्लुएंस में आके, लाइक कहीं से मजदूरी करके या फिर कहीं से फीस से पैसा निकाल के किसी से उधार लेके होस्टिंग खरीद लेते हैं, बट बाद में जाके उनको समझ में नहीं आता है। तो मैंने इसके लिए कुछ दिन पहले ही ब्लॉगिंग प्ले ग्राउंड शुरू किया था, जहाँ पे जो लोग भी ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं, जो लोग भी ब्लॉगिंग में आना चाहते हैं, यानी उनका फ्यूचर प्लान है ब्लॉगिंग में आने का, तो मैं उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता हूँ जहाँ से वो लर्न कर सकते हैं, कंटेंट लिख सकते हैं, एडसेंस के रेवेन्यू देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें लर्न कर सकते हैं और अपने आप को एक स्कोर दे सकते हैं कि मैं ब्लॉगिंग में आने के लिए कितना फिट हूँ। लेकिन मुझे लगा कि इस ब्लॉगिंग प्लेग्राउंड से भी मैं बहुत ज़्यादा लोगों का हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मैं 100 लोगों का, 200 लोगों का हेल्प कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा लोगों का हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने सोचा कि और रिसोर्स क्या हो सकते हैं, तो मैंने इसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया। तो मुझे सतीश के वीडियोस पे, आपने देखा होगा सतीश जी लाइक अभी लेटेस्ट में वीडियो पब्लिश किए हैं राजेश चौहान जी के साथ, तो वहां पे मैंने देखा कि वो उन्होंने बताया है अपने फ्री होस्टिंग प्लेटफॉर्म के बारे में, जहां पे वर्डप्रेस का फ्री होस्टिंग मिलता है, कोई भी जाके वहां पे होस्ट कर सकता है, उसको पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो आज 90 डेज ब्लॉगिंग चैलेंज के 46वें दिन में हम बात करने वाले हैं कि वर्डप्रेस के लिए फ्री होस्टिंग कैसे मिलेगा, इसके क्या लिमिटेशंस हैं, कैसे यूज करना है, कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, ये सारी जानकारी। हमें सिंपल अपने ब्राउजर पे जाना है, ब्राउजर पे सर्च करना है फ्री होस्टिंग, ठीक है। आप देखेंगे कि 6वें या 7वें नंबर पे आपको गोगियो होस्ट नाम का वेबसाइट दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखेंगे इस तरह का कुछ डैशबोर्ड दिखता है और यहाँ पे आप नीचे आ जाएंगे तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। यहाँ पे NBM ESSD मिलेगा, बिजनेस ईमेल मिलेगा, लाइट स्पीड आपको मिलेगा, क्लाउड फ्लेयर मिलेगा, कंट्रोल पैनल, वन क्लिक इंस्टॉलर, मालवियर प्रोटेक्शन, SSL सर्टिफिकेट, सब कुछ मिलेगा। यानी फ्री होस्टिंग भी है, आपको SSL भी मिल रहा है, ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि SSL इजिली आप अगर आप जाएंगे खरीदने, SSL 1400-1500 रुपये पर ईयर का आता है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नए हैं तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाना है साइन अप पे और अकाउंट क्रिएट। साइन अप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए प्रोसीड विद फ्री हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रीमियम भी है जो कि $0.01 का है, बट हम यहाँ पे फ्री से अभी शुरू करते हैं। देखिए कोई कार्ड नहीं चाहिए, कोई ऐड नहीं रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। यहाँ पे जो डिटेल मिलेगा सिंगल साइट के लिए है, 1000 MB SSD स्टोरेज मिलेगा, फ्री SSL मिलेगा, 100 GB का बैंडविड्थ मिलेगा, वर्डप्रेस मैनेजर मिलेगा, बिजनेस ईमेल, MySQL, FTP, क्लाउडफ्लेयर प्रोटेक्शन और 99% अप टाइम। यानी ऐसा नहीं है कि ये कोई भी होस्टिंग है, एक अच्छी खासी होस्टिंग है और इसे अगर बहुत सारे प्रीमियम होस्टिंग से कंपेयर करेंगे तो उससे भी ये अच्छा है। तो यहाँ पे प्रोसीड विथ लाइक फ्री पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले आप एक डोमेन नेम सर्च कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे लाइक कहीं पे अगर आपने डोमेन परचेज करके रखा है जैसे गो डैडी, नेम चीप, तो वहां से जाके ऐड कर सकते हैं। आपके पास नेम सर्वर है तो उसको अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे ब्लॉगिंग इनसाइडर इसका कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैं चेक पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे फ्री होस्टिंग है, ठीक है, फ्री सेटअप सब कुछ 0 है। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे हमारी होस्टिंग सर्विस आ गई है। यहाँ पे चेकआउट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आने के बाद, चेकआउट पे आने के बाद हमें अपना डिटेल ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं अपना डिटेल ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पे पासवर्ड चुन लेना है, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड जनरेट पासवर्ड पे क्लिक कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिक एक पासवर्ड जनरेट कर देगा और इस पासवर्ड को ही मैं इंटर कर देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद देखेंगे पेमेंट डिटेल, क्योंकि हमें कुछ चाहिए नहीं। और यहाँ पे देखिए फ्री होस्टिंग फॉर एवर, यहाँ पे आ गया फ्री होस्टिंग फॉर एवर सिंस 2012। यहाँ पे लिखा नो कार्ड, नो एड्स, नो हिडन टर्म्स, नो स्पैम मेल, नो डेटा सेलिंग। यहाँ पे इनके सारे अकाउंट का डिटेल लिखा हुआ है कि आप इस पे इलीगल या एडल्ट वेबसाइट नहीं बना सकते, मास ईमेलिंग नहीं सेंड कर सकते, बोट सारे स्क्रिप्ट नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे आप पोर्नोग्राफी जैसे वेबसाइट हो गया या फिर जो भी इलीगल वेबसाइट हैं वो चीज़ें यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरा ऑर्डर नंबर है, ठीक है, फॉर एक्टिवेशन एंड लेटेस्ट होस्टिंग डील ज्वाइन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। इनका टेलीग्राम चैनल भी है जिसको ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से आपको बहुत सारे होस्टिंग से रिलेटेड जानकारी आपको फ्री मिलता रहेगा। तो देखेंगे 2000 से ज्यादा लोग इनके टेलीग्राम चैनल पे जुड़ चुके हैं। लॉगिन करने के बाद इस तरह से हमारा डैशबोर्ड दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे सर्विस में आएंगे तो देखेंगे एक सर्विस हमारा है, हमने डोमेन कोई नहीं लिया है क्योंकि हमने फ्री डोमेन से बनाया था। सर्विस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे इस तरह का पैनल दिखाई देगा और यहाँ पे गो टू पैनल पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे देखिए डायरेक्ट एडमिन का लॉगिन हमें मिल गया है, यानी हम एडमिन में जाके लॉगिन कर सकते हैं और फिर वहां से हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे तो देखिए हमने फ्री होस्टिंग कोई भी पैसा नहीं दिया है,
है और हमें सी पैनल यहाँ पे सामने दिख रहा है। ठीक है, सी पैनल पे आने के बाद यहाँ पे नीचे सबसे पहले नीचे सबसे नीचे आपको गूगियो ऐप इंस्टॉलर का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको वर्डप्रेस पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल। अब यहाँ पे देखिए वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है पूरा, अब यहाँ से वर्डप्रेस हम इंस्टॉल कर सकते हैं। आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे और ये हमारा वेबसाइट का यूआरएल है, इस डायरेक्टरी को हमेशा हटा देना चाहिए वरना ये वेबसाइट के बाद दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे ब्लॉग का नाम दे देते हैं, माई ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग इनसाइडर मैं इसका नाम दे देता हूँ। तो भी डिस्क्रिप्शन कुछ लगा सकते हैं, एडमिन पासवर्ड रहेगा और पासवर्ड में admin@123 सेट कर देता हूँ। पासवर्ड आप चुपके से सेट करें, ठीक है। ईमेल आप जरूर ऐड करें, यहाँ पे हमने अभी कोई ईमेल नहीं ऐड किया, बट यहाँ पे कोई जीमेल अकाउंट ऐड कर लें। इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे बेनिफिट ये होगा जब भी रीसेट पासवर्ड करना होगा तो उस ईमेल पे लिंक जाता है, तो अगर आप यहाँ पे रेंडम कोई ईमेल सेलेक्ट कर लेते हैं जिसका लॉगिन नहीं है तो आपको बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमेशा वही ईमेल सेलेक्ट करें जिसका एक्सेस आपके पास है। और यहाँ पे कुछ प्लगइन्स मिलते हैं जिनको हम चाहें तो डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं, बट अभी मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे कुछ थीम के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, बट हम इन सब में कोई भी सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे इंस्टॉल पे हम क्लिक कर दे रहे हैं। हमने कर दिया है और देखिए इंस्टॉलिंग शुरू हो गया है और इंस्टॉलिंग डन भी हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वेबसाइट को चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है, मैं लॉग इन करके भी दिखा देता हूँ। ये हमारा वेबसाइट का यूआरएल है, ठीक है, और यहाँ पे वर्डप्रेस पे हम क्लिक करते हैं और देखिए वर्डप्रेस में भी हम सभी लॉगिन कर गए हैं। तो देखेंगे इस तरह से हमारा जो है ब्लॉग स्टार्ट हो गया, ब्लॉग सेटअप हो गया। आप इस पे पूरा वर्डप्रेस बना सकते हैं, प्लगइन जो भी चाहे प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जैसे रैंक मैथ साइट के लिए सारी चीजें, जैसे रैंक मैथ हम यहाँ पे सर्च करते हैं तो उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जो भी प्लगइन चाहेंगे। जैसा वर्डप्रेस पे नॉर्मली प्रोफेशनल वर्डप्रेस पे काम होता है वैसा ही काम यहाँ पे भी बिल्कुल कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री में है। तो इस तरीके से जो भी नए लोग हैं, जो भी ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, ब्लॉगिंग में आना चाहते हैं या इंटरेस्ट है, नाम कहीं से किसी वीडियो से सुने हैं, तो उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि पहले अपना फ्री अकाउंट बनाएं, पहले समझें कि वर्डप्रेस क्या होता है, कंटेंट क्या होता है, कंटेंट कैसे लिखते हैं, देन उसके बाद जाके डिसाइड करें कि डोमेन खरीदना है, होस्टिंग खरीदना है, किस नीच पे काम करना है, ये सारी चीजें बाद में करें। पहले आप इसके इन्वायरमेंट को समझें कि ये होता है क्या है, एक्चुअली काम कैसे होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एडसेंस का रिवेन्यू देख के होस्टिंग शुरू, बहुत सारे लोग की गलती क्या होती है कि एडसेंस का रिवेन्यू देखते हैं और देन वो शुरू कर देते हैं अपना ब्लॉग, बट वो प्रोसेस पे ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से जाके वो फेल हो जाते हैं बुरी तरह से। फिर वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं ब्लॉग के बारे में या किसी के वीडियो के ऊपर। तो प्रोसेस पे आपको फोकस करना है, रिवेन्यू प्रोसेस के बाद आता है, प्रोसेस से पहले नहीं। तो इस चीज को ध्यान रखना है। इस होस्टिंग के कुछ रूल्स हैं जिनको आप सभी को ध्यान रखना है। यहाँ पे केवल एक डोमेन होस्ट कर सकते हैं और अगर आप किसी भी तरीके का नूल वेबसाइट बना रहे हैं, या फिर पोर्नोग्राफी वेबसाइट बना रहे हैं, हैकिंग वेबसाइट बना रहे हैं, फिशिंग वेबसाइट बना रहे हैं, तो आपका होस्टिंग तुरंत टर्मिनेट हो जाएगा, आपका अकाउंट भी डिलीट कर दिया जाएगा और आप केवल एक जीमेल से, एक आईपी से एक अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपने दूसरा अकाउंट बनाने की कोशिश की या फिर लाइक वीपीएन या दूसरे तरीके से कोशिश की, तो आपका होस्टिंग भी, पहला वाला भी होस्टिंग डिलीट कर दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, एक अकाउंट क्रिएट करना है अपने लैपटॉप से, एक सिंगल अकाउंट। कोई किसी और को चाहिए तो उसको क्रिएट करने दो, आप तरीका बता दो या ये वीडियो रिफर कर दो, बट आप जाके अपने सिस्टम पे क्रिएट करने की कोशिश मत करो। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे एक रिसेंट वेरिफिकेशन का आपको मिलता है ईमेल। ये ईमेल आपको वेरीफाई करना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे अगर ईमेल नहीं आता है तो एक बार ईमेल सेंड पे क्लिक कर दें। तो ये ईमेल वेरीफाई करना भी बहुत जरूरी है, ये मैंडेटरी है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो अकाउंट एक्टिवेशन आपका अटका हुआ रहता है। और एक और खास बात, यहाँ पे जो भी अकाउंट एक्टिवेशन है वो मैनुअल होता है, यानी आप जैसे अकाउंट बनाओगे तुरंत एक्टिवेशन आपको नहीं मिल जाएगा। आप अकाउंट क्रिएट करके छोड़ दोगे, उसके बाद उनकी टीम आपके अकाउंट को रिव्यू करेगी, देन आपको अप्रूवल मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं आपने अकाउंट बनाया तुरंत आपको सेटअप करने का मौका मिल जाएगा, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उनकी टीम आपका अकाउंट एक्टिवेट कर देगी, देन जाके आप यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो, फिर काम स्टार्ट कर सकते हो। तो होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो, ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है बिगिनर के लिए। बहुत सारे लोगों का सवाल था, यार मुझे वर्डप्रेस सीखना है, मुझे ब्लॉगिंग सीखना है, बट मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से करूँ। उनके पास एक ऑप्शन था ब्लॉगर का, बट अगर आगे चल के वर्डप्रेस में आना है तो बेस्ट तरीका यही है कि वर्डप्रेस पे ही जाके आप बनाओ और वहाँ पे लर्न करो और देन उसके बाद आप डिसाइड करो कि आप शुरू करने लायक हो या नहीं हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।